अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ हम सब खैरियत के साथ होंगे, मजे में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का प्लान मेरा ये था कि मैंने ना छोटे छोटे काम करवाने थे। सबसे पहले जो मेन काम था ये इसकी LCD है, ये ऑन होती है तो साथ ही थोड़ी देर बाद ही कुछ सेकंड के बाद ये बंद हो जाती है। एक तो ये चेक करवाना था प्रॉपर, और सेकंड ये दोनों स्पीकरों में से ना एक स्पीकर चल रहा है, एक स्पीकर बंद हो जाता है, वो मैंने चेक करवाना था। और थर्ड चीज़ इसको पता नहीं क्या कहते हैं, ये प्लास्टिक का कवर है, ये भी मेरा ना टूटा हुआ है, तो एक तो मैंने ये सही करवाना था। जैसे आपको देख भी रहे हैं लेफ्ट वाला जिस तरह का है ना इसी तरह राइट पे आता है, तो ये मैंने कवर लगवाना था। इस तरह के ना छोटे छोटे और बहुत मेन काम थे। जो एक फ्रंट में है ये सिल्वर, ये 2004 मॉडल है, तो 2015-16 में ना यहाँ पर एक सिल्वर पट्टी आ गई थी, तो वो मैंने पता करना था अगर कोई मुझे पूरा फ्रेम मिलता है तो फ्रेम लगवाना था, वरना यहाँ पर इस जगह पे ना स्प्रे हो जाता है, तो मैंने स्प्रे करवाना था। अब ये थे सारे छोटे छोटे काम। तो जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की है ना, गाड़ी स्टार्ट करते ही साथ नहीं पता नहीं वाइब्रेशन बहुत हो रही है गाड़ी में ना, अजीब सा साउंड आ रहा है। अब ये नहीं समझ लग रही कि किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, मगर इंजन की आवाज़ ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी हुई है। अब वो चेक करवाता हूँ, वाइब्रेशन भी है, इंजन का साउंड भी तेज़ हो चुका हुआ, जैसे आपको आवाज़ आ भी रही है, अजीब सी कुछ आवाज़ है। तो मेरा दिल ही नहीं किया कि मॉडिफिकेशन करवाने को, या जाके मैं पता करूँ क्या सूरत हाल है। मैंने कहा सबसे पहले ना मैकेनिकल फिट होनी चाहिए गाड़ी, फिर ही उसके बाद ही मॉडिफिकेशन अच्छी लगती है। अब जाते हैं मैकेनिक के पास, उसको चेक करवाते हैं क्या सूरत हाल है, क्या वजह बन गई है, क्या किस वजह से इतना साउंड इसका हो गया है तेज़ है। तो चलते हैं, फिर बने रहे मेरे साथ मैकेनिक में, जाके आपसे मिलता हूँ। ये था आज का व्लॉग। देखें, मैं कल्टस को लेने के बाद हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे आज जैसे कि प्रॉब्लम आई है, परेशान भी हुआ हूँ इंजन को लेके कि इंजन का साउंड क्या चेंज हो गया हुआ है। मैं ये समझा था कि इंजन ना सील की तरफ जा रहा है, तो उससे ही उसकी बड़ी परेशानी बन गई थी, तो वो भी मैंने आपसे शेयर किया। जैसे आप जानते हैं कि मॉडिफिकेशन स्टार्ट हुई हुई है, उस पर बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो और व्लॉग आएंगे। भाई का एक कॉमेंट भी आया है, मैं लिटरली अप्रिशिएट करता हूँ आपके कमेंट्स का, जो इतने आप प्यार दिखाते हैं। और भाई ने कहा था कि मैंने गाड़ी ली है तो उसकी आप प्रॉपर ना एक वीडियो शूट करें LCD को लेके, साउंड सिस्टम दिखाऊं मैं आपको। तो खैर, जैसे मैंने आपको अब दिखाया भी है कि अगर मेरा ये LCD ठीक नहीं होती तो मैं नहीं लगाऊंगा, उसकी मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगा। खैर, वीडियो तो मैं फिर भी बनाऊँगा आपके लिए कि आपको साउंड सिस्टम दिखा दूं, बूफर की प्राइसेस दिखा दूं, LCD की प्राइसेस दिखा दूं। और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।